दिग्विजय सिंह को आपने सुना, भूपेंद्र यादव को आपने सुना, लेकिन सीधे सुमंत का रुख करते हैं। उनके साथ प्रहलाद पटेल मौजूद हैं। सुमंत, सीधा सवाल प्रहलाद पटेल से अगर आप पूछ सके। सीधा आरोप विपक्ष अब ये लगा रहा है कि आप एक नीति के तहत कर रहे हैं, दमनकारी नीति है सरकार की जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का भी विपक्ष का भी। जी सुमेरा, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लाइव जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, दमनकारी नीति ये सरकार अपना रही है। मैं आज इस बात से गौरवान्वित हूँ कि पिछड़ी जाति के अपमान करने वाले राहुल गांधी को न्यायालय ने भी सजा दी, और उसके बाद जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत उनकी सदस्यता गई। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पिछड़ी जाति का एक सर्वोच्च नेता जिसे करोड़ों लोगों ने चुना, उसको लेकर इस ढंग से अपमानित करना, उस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। वो गांधी परिवार हो या कांग्रेस, अब मैं उसको भी, कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ, इन दोनों की दो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। पहला अंग्रेजियत, कि अंग्रेजों के इस बातों को जिस प्रकार से चुनौती देते थे लोग, उन चुनौती में वो पिछड़ी जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करते थे। दूसरा राजवंशी सामंती प्रवृत्ति है, जो कुछ भी अपराध कर ले, लेकिन वो मानता है कि वो कानून से और संविधान से ऊपर है, ये राजसत्ताओं के कमाल रहे हैं, ये उसका समुच्चय है। लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि देश की जनता ने जो इस बातों को समझ लिया है और एक पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति को देश का नेता बनाया। लेकिन ये सच है कि मोदी जी ने उनको चुनौती दी, इसलिए उनकी माँ ने पहले उनको मौत का सौदागर कहा और बाद में इनने उसी सरनेम के आधार पर, जो किसी भी समाज की प्रतिष्ठा होती है, उसके आधार पर उन्होंने चोर जैसे शब्द का उपयोग किया। ये अंग्रेजों की प्रवृत्ति है कि जो आपको चुनौती देगा, आप उसको जो मर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे। सुमंत, सूरत कोर्ट का ये जी सुमंत अगर एक और सवाल आप प्रहलाद जी से ले, कि ये लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी के ही तमाम नेता प्रवक्ता ये कहते थे कि वो तो सामने खड़े होने के लायक नहीं है या वो चुनौती देने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फिर क्यों अब लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं और वो इस तरह से केंद्र में भी हैं बीजेपी की राजनीति के, उनके हमलों के? बिल्कुल, स्टूडियो से एक सवाल है प्रहलाद जी कि अब बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता पहले कहते थे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है, लेकिन अब ऐसी क्या अचानक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थिति बदली है कि राहुल गांधी बीजेपी के विरोध के केंद्र में आ गए हैं, लगातार आप लोग हमलावर हैं और अब इस तरह से उनकी सदस्यता भी चली गई? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस पक्ष को रख रही है, मैं एक बात अपने गुरुदेव की परम पूज्य शिवावसी जी की बात ये कहता हूँ कि परावर्तन प्रकृति का नियम है। ये वही राहुल गांधी है जिनने अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ा था कि 6 साल नहीं 2 साल, आज उसी की परिणति हुई है। दूसरा, जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो उनके अहंकार का विरोध कर रही है कि न्यायालय का फैसला आता है तो आपको उच्च न्यायालय में जाने का अवसर है, लेकिन आप उसका मजाक उड़ाते हैं, खड़गे जी उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और अभी तो कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, मेरा विश्वास है कि जनता की अदालत में जब ये जाएंगे तो कम से कम 20 साल की अदालत में उनको लगता है कि और ज्यादा सजा मिलेगी।